Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जय वाल्मीकि। हम रोहतक के वाल्मीकि अनंत में है पारा मोहल्ला में, और यहाँ एक बहुत सौभाग्य हमें देखने को मिला कि परमेश्वर की दो मूर्तियां हैं। एक मूर्ति बड़ी है जो बाद में स्थापित हुई। किस सन में लगी बड़ी? ये करीब चार पांच साल पहले। और एक मूर्ति ये छोटी, मैं आपको बड़ा करके दिखा रहा हूं उसको। हमें ये बताया जा रहा है कि ये मूर्ति यहां 100 साल पहले की है, और ये बताने वाले यहां सारे साथी खड़े हैं पारा मोहल्ला के, जो हमें बता रहे हैं कि ये प्रतिमा परमात्मा की 100 साल पुरानी है। और मैं इस माध्यम से सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूं कि असल में परमेश्वर का यही स्वरूप था, जिसमें बाल खुले थे यही। और ये श्लोक भी है गुरु ग्रंथ साहब में, खुले बालों का। और मगर ये जो जूड़े वाली है, ये बीमारी भी पंजाब से चली। और अब पंजाब में तो और बीमारी होगी कि कपड़ा रख रहे हैं सिर पे, ढक रहे हैं उसे। और लोगों को कहा जा रहा कि वाल्मीकि अनंत में से ढक के आओ। और हमने कई बार उनसे पूछा भी, उनके पास लवकुश बैठे होते हैं, माँ सीता खड़ी होती है, मगर उनका सिर कभी नहीं ढका होता। तो ये परंपरा ना चलाओ। यहां हम देख रहे हैं लवकुश का फोटो भी चित्र लगा है, बहुत अच्छी जगह हम पहुंचे। ये देखिए, अब लवकुश का कहीं भी सिर ढका हुआ नहीं है, मगर ये एक गलत परंपरा जूड़ा बना के चलाई गई पंजाब से और सिख गुरुओं को देख के। मगर सिख पंथ अपने 10 गुरुओं के अलावा किसी और को गुरु मानने को तैयार नहीं है। हम शामिल कराएंगे तो वाल्मीकि परमात्मा को वो भगत कहेंगे। ये फैसला आप सबने करना है। जय वाल्मीकि।